मॉमीज, मैं हूँ अंकिता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज वर्ल्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले ढेर सारा थैंक यू मेरे लास्ट वीडियो को, मेरी वेट लॉस जर्नी को इतना पसंद करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड टू लास्ट टू वीडियोज, तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे स्लीप ट्रेनिंग के बारे में, हाउ टू स्लीप ट्रेन योर बेबी। स्लीप ट्रेनिंग के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने बेबी को ट्रेन करना होता है, बिकॉज जैसे जैसे बेबी बड़े हो जाते हैं वो उतने स्टबर्न हो जाते हैं, उनको हैंडल करना उतना मुश्किल हो जाता है, क्रैंकी हो जाते हैं, वो बात नहीं मानते हैं या उनको आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज रूटीन, उसी तरह से इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट स्लीप ट्रेन योर बेबी। तो मैंने अपने बेबी को 2 months में स्लीप ट्रेन कर दिया था, मतलब मैं 2 months से ही प्रॉपर स्लीप देने लग गई थी। मेरे को 10-12 घंटे की नींद हमेशा से चाहिए होती थी, मतलब मेरे को प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा टेंशन 2 चीज़ों की होती थी। फर्स्ट इज़ कि बच्चे कितनी बार पॉटी करते हैं, कि उनको बार बार पॉटी साफ करना होता है क्या, या कब तक करते हैं। और सेकेंड चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा पूछती थी कि मदर्स को कब से फुल नाइट स्लीप मिल जाती है, क्या उनको स्लीप मिलती ही नहीं है, क्या वो बच्चे थ्रू द नाइट नहीं सोते हैं। और दोनों ही केसेस में मुझे मोस्टली मॉम्स जो मेरी फ्रेंड्स थी या मेरी फैमिली में थी, मोस्टली मॉम के यही आंसर होते थे कि नींद को तो भूल जाओ, नींद तो नहीं मिलनी है 2-3 साल तक, एंड पॉटी का भी नहीं पता होता है। कई बार बच्चे 2-3 साल तक भी कपड़ों में ही करते हैं, डायपर में ही करते हैं, कपड़े स्पॉइल करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे ही मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, एंड फॉर्चुनेटली माई बेबी वॉज स्लीप ट्रेंड सिंस 2 months एंड पॉटी ट्रेंड सिंस 6 months। तो मुझे 6 months के बाद से उसने अपने कपड़े या अपना डायपर, अपने ब्लूमर कभी स्पॉइल नहीं करे, और स्लीप ट्रेनिंग के केस में भी वो 2 months से फुल नाइट थ्रू द नाइट जो स्टार्ट कर दिया था उसने। ट्रेनिंग के नाम पे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे, स्लीप ट्रेनिंग क्या होती है, स्लीप ट्रेनिंग क्यों करना होता है, कैसे करना होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो मैं फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी। सबसे पहले स्लीप ट्रेनिंग क्या होती है। स्लीप ट्रेनिंग होती है जब पेरेंट अपने ही बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न को एडजस्ट या चेंज कर देते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ मदर एंड द बेबी, उसको स्लीप ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे कुछ बेबीज होते हैं जो दिन में ज़्यादा सोते हैं रात को कम सोते हैं, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स चाहेंगे कि उनका रात को ज़्यादा स्लीप का हो जाए और दिन में कम हो जाए, फर्स्ट चेंज। सेकेंड होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो गोद में सोते हैं, रॉक करके सोएंगे या आपको उनको शोल्डर पे लेके वॉक करना पड़ता है, तो उनका ये जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको हमें चेंज करना होता है, बिकॉज इस तरह से आप लॉन्ग टर्म में परेशान हो जाएंगे, मदर्स स्पेशली परेशान हो जाएंगे। तो ये एक स्लीपिंग पैटर्न है जिसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, ये सेकेंड चेंज। थर्ड चेंज, कुछ बच्चे होते हैं जो फीट लेते हुए ही सोते हैं या मदर्स के साथ ही सोते हैं, इस पैटर्न को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पैटर्न को भी चेंज करना होता है, फिर थर्ड चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्लीप ट्रेनिंग क्यों करना है, क्योंकि मोस्टली एफर्ट्स मदर्स नहीं दे रहे हैं, तो इतना मदर को एक एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों देना, ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं। तो क्या होता है, जब आपका बेबी टाइम से सोएगा, टाइम से उठेगा, फुल नाइट स्लीप लेगा, तो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो आफ्टर ऑल मदर को ही होगा। तो जो आपके पास टाइम मिलेगा, आपकी रात की नींद पूरी हो जाएगी, आप रिलैक्स रहेंगे, आपकी रिकवरी जल्दी होगी, आपका हेल्दी रूटीन सेट होगा, आप लेस इरिटेटेड होंगे, लेस एग्जॉस्टेड होंगे। तो ये एक रीज़न था कि मेरा बेबी 2 months में स्लीप ट्रेनिंग ले चुका था, तो जिससे मैं बाकी चीज़ों में ध्यान दे पाती थी, मैंने एक्सरसाइज रूटीन जल्दी स्टार्ट कर दिया था, डाइट पर ध्यान देना जल्दी स्टार्ट कर दिया था, बेबी के सारे काम मैं करती थी, लाइक उसका बाथ मसाज फ्रॉम द स्टार्टिंग मैं ही करती थी। तो इन चीज़ों के लिए आपको टाइम मिल जाता है अगर आपका बेबी स्लीप ट्रेन हो चुका है। नाउ बात करते हैं स्लीप ट्रेनिंग करनी कैसे है, कैसे ट्रेन करें आपने। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल टू स्लीप ट्रेन योर बेबी, स्टार्ट मेंटेनिंग ए लॉग बुक। यस, एक पेन उठाइए, एक डायरी उठाइए या फोन में नोट करिए, अपनी बेबी का सारा रूटीन ऑब्जर्व करिए और कुछ दिनों तक नोट करिए। आपका बेबी कब उठता है, कब सोता है, कितनी देर सोता है, अगर वो बॉटल फीड है तो कितने आउंस ऑफ मिल्क लिया है, अगर वो ब्रेस्ट फीड है तो कितनी देर उसने लैच किया है, ये सारी चीज़ें नोट करिए। और हाँ,
अगर आप अभी से ये नोट करना शुरू कर देंगे, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे कि आपके बेबी ने सोते हुए सुसु किया है या नहीं किया है, सो के उठ के कितनी देर बाद सुसु किया है, फीड लेने के कितनी देर बाद सुसु किया, अगर आपने ये चीज़ें भी ऑब्जर्व कर ली तो उतनी ही जल्दी आपका बेबी सुसु ट्रेन के लिए भी रेडी हो जाएगा। सेकेंड स्टेप इज स्टिक टू द फिक्स रूटीन। आपको बिल्कुल सेम रूटीन रखना है जब तक कि आपका बेबी स्लीप ट्रेन ना हो जाए। उसको उसी ही टाइम पे सुलाना है, उसी ही टाइम पे उठाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं आपका बेबी 9 o'clock पे सो जाए, तो आपको उसको 9 o'clock पे सुलाने के लिए आपको 1 घंटे पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो 1 घंटे पहले से प्रिपेयर होने के लिए आप 8 बजे से उसके सोने का पूरा जो एनवायरमेंट होता है वो सेट करना स्टार्ट करें। तो जब वो 9 o'clock सो जाएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग अगर वो 9 o'clock या 8 o'clock या 9:30 उठ रहा है, मेरे बेबी का जो स्टार्टिंग में स्लीप रूटीन था, दैट वाज शी स्लीप्स अराउंड 9 to 9:30 एंड वेक्स अप अराउंड सेम 9:30 or 9:45, एक फिक्स रूटीन था। और अब जो उसका रूटीन है वो 10 बजे अराउंड सोती है एंड मॉर्निंग में 10 to 10:30 अराउंड उठती है। तो अगर आपने 9:30 उसको सुला दिया है या 9 o'clock उसको सुला दिया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसको एक फिक्स टाइम पे डेली उठ, कुछ दिनों ऑब्जर्व करिए, उसको नेचुरली उठने दीजिए। अगर आप चाहते हैं 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, जितने भी बजे आप चाहते हैं उठे, पर उसको डेली उसी टाइम पर आप उठाइए। थर्ड स्टेप इज सेट एन अर्ली एनवायरमेंट। अगर आप चाह रहे हैं कि वो 9 o'clock सो जाए, तो आपको 8 बजे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करिए, उसको मसाज दीजिए। आपको पता है अगर हम डे टाइम में भी या मॉर्निंग में भी बच्चों को मसाज देते हैं, उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, तो इतना थक जाते हैं कि वो बात लेते ही सो जाते हैं, 1-2 घंटे के लिए सोते ही हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों टाइम पर मसाज दीजिए। अगर टाइम नहीं है तो कोशिश करिए जब उसको रात को सुला रहे तब मसाज ज़रूर दीजिए। मैं दोनों टाइम मसाज देती थी, मैं मॉर्निंग में भी देती थी, इवनिंग में भी देती थी। इनफैक्ट अभी भी मैं मेंटेन करती हूँ कि मैं दोनों टाइम दे पाऊँ। तो अगर आपने 8 बजे से टाइम सेट किया है तो उसको पहले मसाज दीजिए, काफ़ी देर तक मसाज कीजिए, धीरे धीरे, लेट देम इन्जॉय, लेट हर इन्जॉय। उसको मसाज दीजिए, जब वो टायर्ड हो जाएंगे, उसको अगर बात देना है, अगर वेदर सही है, जैसे समर्स में है तो आप दे सकते हो, मैं देती थी रात को बात। अगर आपका वेदर सही है, आप दे पाते हैं, तो आप रात को बात दीजिए। उसके बाद रूम्स की लाइट डिम कर दीजिए, फुल लाइट चला के कभी मत सुलाइए। आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको रात को डायपर चेंज करना है या उसको फीड कराना है, बट फुल लाइट ऑन करके कभी मत सोइए। एक छोटा सा नाइट बल्ब लगाइए और अगर जिस टाइम पे बच्चा जाग गया उस टाइम पे अपने मोबाइल की टॉर्च चला के उसको डायपर वगैरह चेंज कर दीजिए या फीड दे दीजिए, बट फुल टाइम लाइट ऑन मत करिए। बच्चों की पोइम्स होती हैं, लोरी होती है, वो बिल्कुल लाइट म्यूजिक चला दीजिए या आप सुना सकते हैं। जैसे मैंने तो लोरी सुनाने की आदत नहीं डाली थी, बिकॉज मेरे को लगा कहीं उसको मेरी वॉइस की आदत ना पड़ जाए, उसको सुलाने के लिए मुझे ना बैठना पड़े साथ में, इसलिए मैंने अपनी वॉइस की आदत नहीं डाली है। तो कोशिश करिए आप मोबाइल पे चला दीजिए लोरी, या अपने आपको सुनाना है आप खुद गा के सुना दीजिए। नेक्स्ट इज उसका टमी फोल होना चाहिए। आपने मसाज दे दिया, बात दे दिया, चेंज करा दिया, रूम में एनवायरमेंट सेट कर दिया, अब उसका टमी फोल होना चाहिए, उसको फीड करा दीजिए एंड उसका डायपर चेक कर लीजिए। डायपर स्पॉइल नहीं होना चाहिए, या आप उसको नया डायपर बनाना है तो नया डायपर बना दीजिए, बिकॉज अगर डायपर गंदा होता है तो बच्चे बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं और वो नहीं सो पाते हैं। फोर्थ स्टेप इज लेट देम स्लीप इंडिपेंडेंटली। बिकॉज आपने उनको मसाज दे दिया, बात दे दिया, फीड करा दिया, उनके कपड़े चेंज कर दिया, डायपर चेंज कर दिया, तो अब वो इतना टायर्ड हो चुके हैं कि उनको सोना ही है। वो बच्चों की आईज से पता चल जाएगा, या बच्चे आईज में हाथ लगाते हैं, या उनकी आईज जल्दी जल्दी झपकना स्टार्ट हो जाती है, वो साइड्स चेंज करने लगते हैं। तो वही सही टाइम है कि आपको उसको कॉट पे लिटाना है, आप कॉट पे लिटा दीजिए। आपको बेड पे लिटाना है, बेड पे लिटा दीजिए। पालने में सुलाना है, पालने में सुला दीजिए, बट गोद में मत सुलाइए, वॉक मत करिए, शोल्डर से मत लगाइए, अदरवाइज वो उनका एक हैबिट में आ जाएगा कि ये मसाज हो गया, बात हो गया, फीड ले लिया है, डायपर चेंज हो गया, अब मम्मा मेरे को गोद में लेके सुलाएंगी। तो ये पैटर्न, ये स्टेप मत ऐड करिए। तो मेरे साथ क्या होता था, मैं उसको पालने में सुलाती थी और मैंने एक टॉय ले रखा था जो म्यूजिकल टॉय होता है, कॉट में लगा देते हैं, तो उसमें एक म्यूजिक भी चलता था, बहुत डिम सा म्यूजिक था।
तो समायरा उसको ही देख देख के म्यूजिक सुनती रहती थी, और वो टॉय घूमता था उसको देख के टायर्ड हो जाती थी और अपने आप ही सो जाती थी। तो ये मेरे को बहुत हेल्प मिली है, कॉट में टॉय लगाने से बहुत हेल्प मिली है। वो अपने आप ही सोना स्टार्ट कर दिया, मुझे उसको कभी गोद में नहीं सुलाना पड़ा। तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैं वीडियो अटैच कर रही हूँ, इसमें समायरा के सोने से जस्ट 2 मिनट पहले का वीडियो है। उसने पालने में इंडिपेंडेंटली सोना स्टार्ट कर दिया था और वो इसी तरह से टायर्ड होके सो जाया करती थी। मैंने डे टाइम में या नाइट टाइम में सेम प्रोसीजर कंटिन्यू किया था जिससे वो जल्दी इंडिपेंडेंटली सोना सीख जाए। तो हमने इन सारी चीज़ों पे बात कर ली कि क्या होता है स्लीप ट्रेनिंग, करना कैसे है, क्यों करना है, इन सारी चीज़ों पे बात कर ली। बट अब सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आता है। आप सोच रहे होंगे कि जो बच्चों को रात में भूख लगती है, रात को जो उठ जाते हैं, उसमें उनको कैसे फीड दिलाया जाए, वो उस टाइम पे वो कैसे थ्रू द नाइट सो पाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, जब वो फर्स्ट मंथ की थी, फर्स्ट मंथ में मैंने एक पैटर्न उसका ऑब्जर्व किया था कि वो एवरी 1.5 आवर में उठती थी फीड लेने के लिए। इससे पहले कि वे उठे, रोए, मुझे उठाए और मैं उसको फीड दूँ, सारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने फ़ोन में हर 1 घंटे में अलार्म लगा लिया था, तो उसके उठने से पहले ही मैं उसको नींद में फीड करा देती थी। वो उठ ही नहीं पाती थी, वो सोते सोते फीड ले लेती थी और वैसे ही सो जाती थी और मैं भी सो जाती थी, मेरी भी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। तो इस तरीके से कभी वो रात को रोती ही नहीं थी फीड के लिए स्पेशली। धीरे धीरे पैटर्न चेंज होता है, वो 2 से 3 घंटे में मिल्क फीड लेना होता है, फिर 3 घंटे से 4 घंटे में हो जाता है। तो वो मैंने उस अकॉर्डिंग पैटर्न समझते हुए अपने आप ही मैं उठ जाती थी फ़ोन में अलार्म लगा के, बच्चा मेरा डिस्टर्ब नहीं होता था और मैं भी डिस्टर्ब नहीं होती थी। तो इस तरह से हमारा नाइट टाइम फीड का रूटीन सेट था। सेकेंड होता है, कुछ बच्चे रात को उठ के बैठ जाते हैं, खेलने लगते हैं या वो रोने लगते हैं, मॉम अपनी मदर्स को जगाते हैं कि उठो मेरे साथ खेलो। उस केस में क्या होता है, उसका एक गोल्डन रूल है, आपको अपने बेबी के साथ आई कॉन्टेक्ट नहीं करना है अगर वो उठ के बैठ गया। लेट देम क्राई, वो एक बार रोएगा, दो बार रोएगा, थोड़ी देर उसको 2-4-5 मिनट रोने दो, अपने आप सेटल हो जाएगा। जैसे हम भी होते हैं, हमें हमारी रात को आँख खुलती है, कई बार खुलती है, हम साइड चेंज करते हुए जागते हैं और लेटे रहते हैं, फिर सो जाते हैं। सेम बच्चे में आदत आ जाएगी, वो रात को उठेंगे, इधर उधर देखेंगे, आपको जगाने की कोशिश करेंगे, आप सोते रहिए। अगर आप उठ भी गए हैं तो डोंट एक्ट, बच्चे अपने आप अपने बैक टू पोजीशन में आ जाएंगे। तो उनको इंडिपेंडेंटली सोने की जब आप आदत डालोगे और तो अपने पालने में उनको अपने आप सोने की आदत डालोगे, तो वो पैटर्न सीख जाएंगे कि अगर रात को वो बीच में उठते भी हैं तो दोबारा कैसे सोना है। तो इसका गोल्डन रूल है, कभी रात में मिडनाइट में बच्चे से आई कांटेक्ट मत करिए, अदरवाइज उनको लगेगा कि मम्मा इज़ इन प्ले मोड, तो वो आपके साथ खेलना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप नहीं बच सकते। इसलिए लाइट भी डिम रखिए, आई कांटेक्ट भी मत करिए, जिससे उनको लगे ये रात है, इसमें सोना ही है, इसमें रेस्ट ही करना है। आई होप मैंने सारी क्वेरी, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अगर फिर भी कुछ रह जाता है, आपकी कोई क्वेरीज आ जाती है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। और मेरे लास्ट 2 वीडियोज़ को देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा।